वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सब्जेक्ट होगा हिंदी और टॉपिक होगा आज आपका वजन, जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं। वजन, वजन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से वस्तु की एक या एक से अधिक होने का बोध होता हो वजन कहलाता है। वजन के प्रकार देखेंगे हम। वजन के कितने प्रकार हैं? हिंदी में वजन दो प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं? तीन प्रकार के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही जानेंगे। हिंदी में वचन आपके एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में आपका एक और बढ़ जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो अभी हम हिंदी के लिए हिंदी के बारे में जानेंगे। एक वचन क्या होते हैं? एक वचन वो होते हैं जिनसे किसी वस्तु की एक होने का पता चलता है। ठीक है, और बहुवचन वो होते हैं जिसे जिनसे किसी वस्तु की यानी कि एक से अधिक होने का पता चलता है, दो 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 या दो से अधिक होने का पता चलता है। क्या कहलाते हैं आपके? बहुवचन। जैसे एक वचन के उदाहरण है पुस्तक, गुड़िया, थाली आदि, और बहुवचन के हैं पुस्तकें, गुड़िया। तो एक से ज़्यादा होने का बोध हो रहा है ना हमें। पुस्तक तो हम एक को ही कहेंगे, ये कोई एक चीज़ है तो हम यही कहेंगे कि पुस्तक, तो ये एक वचन बता रही है हमें। बहुवचन पुस्तकें यानी कि बहुत सारी। ठीक है, तो हमें बोध हो रहा है कि ये बहुवचन है। अब देखेंगे हम वचन परिवर्तन, यानी कि वचन परिवर्तन हम कैसे करेंगे। का है आपका नंबर फर्स्ट पे आता है आपका अंतिम आपो ए करके, यानी कि अगर लास्ट में किसी भी शब्द के लास्ट में आपको बड़े आ की साउंड सुनाई दे तो आप क्या करेंगे? उसे बहुवचन बनाते समय ए कर देंगे। जैसे लड़का, तो लास्ट में आपको आ की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, तो आप इसे क्या लिखोगे बहुवचन बनाते समय? लड़के। ठीक है, पत्ता, तो पत्ता का क्या होगा इसी प्रकार? पत्ते। आगे है संतरा, तो यहाँ भी आ की साउंड सुनाई दे रही है हमें, ये होगा आपके संतरे। केला, केला का क्या होगा? केले। टू है आपका किसी अंतिम अ को ए करके। ठीक है, तो पुस्तक, इसमें आपको छोटे आ की साउंड सुनाई दे रही है। ठीक है, क, तो इसे क्या करेंगे? पुस्तकें। इसी प्रकार सांस, तो क्या होगा इसका? सांस है। नंबर थर्ड है आपका मेज, तो इसका बहुवचन बनाते समय क्या कर देंगे हम? मेज है। और आंख, आंख का क्या होगा? आंखें। नंबर थर्ड है आपका अंतिम आ के साथ इन जोड़कर, जैसे ये है आपकी माला, तो माला का क्या होगा? मालाएं। इसी प्रकार कथा का कथाएं। कविता का कविताएं। माता का माताएं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स रूल नंबर फोर देखेंगे अंतिम ई के साथ यहाँ जोड़कर, तो कैसे करेंगे हम? ये है विधि, विधि का क्या होगा? विधि यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार राशि का राशि। नेक्स्ट है आपका लिपि, लिपि का क्या होगा? लिपि यहाँ। नेक्स्ट है जाति, जाति का क्या होगा? जाति। नेक्स्ट है आपका अंतिम ई को ई में बदलकर यहाँ जोड़कर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो बड़ी ई होगी, जो शब्द में लास्ट में आपको बड़ी ई की साउंड सुनाई देगी, उसे हम छोटी ई में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे? यहाँ साउंड। ठीक है, तो इसी प्रकार आप ऐसे भी इसे शॉर्ट में नोट कर सकते हो। तो नदी, नदी का क्या होगा? सबसे पहले हम इसे छोटी में कन्वर्ट करेंगे, इसकी जो ये मात्रा है इसे मैंने छोटी में कन्वर्ट किया, इसके बाद क्या शब्द छोड़ना है मुझे? यहाँ। ठीक, रोटी, इसमें बड़ी की मात्रा है तो अब हम इसे क्या करेंगे? छोटी में कन्वर्ट करेंगे पहले, अब फिर यहाँ शब्द जोड़ेंगे।
इसी प्रकार है सखी, सखी का क्या होगा, सखियां। सब्जी, सब्जी का क्या होगा, सब्जियां। नेक्स्ट है आपका अंतिम या को या करके, ठीक है। तो यह है बुढ़िया, यहाँ आपको क्या शब्द दिखाई दिया, या शब्द। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, या में। नेक्स्ट है अंतिम को, अंतिम उ व ओ को ओ के साथ ए जोड़कर। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, हम बड़े उ को छोटा उ करके, ठीक है। तो ये वधु लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, छोटे उ में, इस प्रकार से वधु ए। क्या लगाएंगे हम, ए सब वस्तु। तो ये यहाँ छोटा उ है, आपको छोटे उ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसके बाद जस्ट ए लगाएंगे, वस्तु। गौ और शब्द है, तो इसके बाद क्या करेंगे, ए लगाएंगे, ऋतु, ऋतु। नेक्स्ट है आपका एक वर्ग दल या समूह का बोध कराने वाले शब्दों में गण, दल, जन, वृंद, वर्ग आदि जोड़कर। विद्यार्थी गण, टिड्डी दल, गुरु जन। लेखक वृंद, शिक्षक वर्ग, उसका दादा बीमार है, तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, उसके दादाजी बीमार हैं। नेक्स्ट है आपका सदा एकवचन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं आपके जो एकवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखेंगे, सदा, झूठ, पानी, जनता, वर्षा, आकाश। कह सकते हैं हम आकाश में बिजली कड़क रही है या वर्षा हो रही है। तो ये जो एकवचन शब्द है ये बहुवचन की तरह ही प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द, जैसे कुछ शब्द आपके एकवचन में प्रयोग किए जाते हैं ऐसे ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, दर्पण, बाल, प्राण आदि, ये एकवचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एकवचन में किया जाता है, जैसे वीरता, बचपन आदि। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं आपको, इनके आपको वचन बदल कर लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट।